एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हियर इज़ मी मिनाहिल, और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ कुछ कश्मीर पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो है, और इनके चैनल का नेम है इंडियन मीडिया लेटेस्ट। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। नाज़रीन, लतीफ़ा, लतीफ़ा सही सुना आपने, लतीफ़ा क्या है कभी सोचा आपने? नहीं। यकीनन हम लतीफ़ा मज़ा की एक किस्म को कहते हैं, ऐसा ही है। हाँ। जिसको सुनकर या पढ़कर किसी भी शख्स का मूड बड़ा फ्रेश हो जाता है। हाँ। किसी भी शख्स के चेहरे पर ऑटोमेटिक से हम देखते हैं ना कि मुस्कुराहट आ जाती है, बस कहीं से भी आ जाती है। अरे फिजा बेबी, मुस्कुराहट मुंह से ही निकलती है, और कहाँ से निकलती है? तुम पिछवाड़े से मुस्कुराते हो क्या? या कोई भी फर्द कह सकते हैं कि बेख्तियार हंस देता है। हाँ। लतीफे की तारीख की अगर मैं बात करूं तो करना, वो खैर बहुत पुरानी है। पुराने वक्तों में आपको शायद ये बात नहीं पता होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करूंगी, बादशाह बकायदा अपने पास ऐसे लोग सैलरी पर तनख्वाह पे रखते थे, उनको बकायदा तनख्वाह मिलती थी। अच्छा। कि वो लतीफे सुनाएंगे और तरह तरह के लतीफे सुनाकर बादशाह सलामत का जो मूड है वो खुशगवार बना सकेंगे। समझ गया। क्योंकि ज़हनी तौर पे जब कोई भी इंसान थक जाता है, काम कर करके थक जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तो उसे अपने दिमाग को यकीनी तौर पे रिलीफ देना होता है, और रिलीफ देने के लिए इस किस्म की चीज़ों की बकायदा तलब होती है। और नहीं तो क्या? अब जो मज़ा का एलिमेंट है अगर किसी भी इंसान की ज़िंदगी से निकाल दिया जाए तो उसकी ज़िंदगी यकीनी तौर पर बेरंग हो जाएगी। इसलिए हर इंसान पूरे दिन में से थोड़ा वक्त अपने जहन को सुकून देने के लिए लताइफ वगैरह का भी सहारा ले लेते हैं। क्या बात है। अच्छा, दुनिया जैसे जैसे तरक्की करती गई, लतीफ़ा यानी जोक्स की मजीद इकसाम भी दरियाफ्त होती चली गई, फिर कॉमेडी सीरीज़ बनना शुरू हो गई, कॉमेडी ड्रामे जिसको हम सिटकॉम भी कहते हैं वो भी आना शुरू हो गए, और अब तो खैर सोशल मीडिया का दौर है, अब हम उन लतीफ़ों को मेम्स भी कहते हैं। जो अक्सर लोग अपनी वॉल पर भी शेयर कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा। अच्छा, लतीफ़े हर शख्सियत और हर सिचुएशन को सूरत हाल को देखते हुए बनाए जाते हैं। सही बात है। कुछ लतीफ़े तो इतने बेहतरीन होते हैं, कहते ना बड़े कमाल के लतीफ़े हैं, कि जिनको जितनी बार पढ़ा जाए उनका असर ज़ाहिर ही नहीं होता। ये लतीफ़ा जिद्दत भी इख्तियार करते करते ना सिर्फ टीवी या हम कैसे थे स्क्रीन पर आया, सोशल मीडिया पर आया। हकीकत नहीं बदल सकते हैं, मसला कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाजा है। हाँ तो भाई, हमारी फिजा बेबी का कश्मीर पर, बीजेपी पर, मोदी जी पर चीखे मार मार कर गला सूख गया था, और उसकी जो रुदाली है वो सुबक सुबक में चेंज हो गई थी। लेकिन अभी हमारे मोदी जी ने जो कश्मीर को लेकर ऐलान किया है, उसकी गरज सुनकर फिजा खलीफा की सुबक सुबक वापस से चीखों में बदल जाएगी। अब इस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का रिस्पांस आया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया की वो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो जम्मू कश्मीर के अंदर 370 और 35 ए को लगा सके। इसी के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस को भी टारगेट किया है काफी ज्यादा, और कहा है कि कोई माई का लाल ऐसा अभी तक पैदा नहीं हुआ जो हमारे कश्मीर के अंदर दोबारा से वो हालात पैदा कर सके। हाँ तो आप सबको पता ही है कि जब 370 हटाया था तो फिजा छाती पीट पीट कर रोई थी, जैसे फिजा का पति मर गया हो। और फिजा बोलती थी अब वापस से इसको लगाया जाना चाहिए। रिश्ता 7 दहाइयों से जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ता आया है। सरजमीन चनार से कभी जवान लाशें उठते हैं, कभी बच्चों पे पैलेट गन से फायरिंग की जाती, लेकिन नाम निहाद मुहज़्ज़ब अक़वाम कभी मासूम कश्मीरियों के लिए आवाज नहीं उठाती। और आज एक मर्तबा फिर भारत की जानिब से कश्मीरियों के हक पर डाका डाला गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत बहाल करने से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। याद रहे कि 5 अगस्त 2019 को इंतहा पसंद मोदी सरकार ने भारतीय आइन की शिक 370 के खात्मे का ऐलान किया था। ये वही आर्टिकल 370 है जिसके तहत रियासत जम्मू कश्मीर की नीम खुद मुख्तार हैसियत और खसूसी इख्तियारात हासिल थे। लेकिन मोदी जी ने साफ कर दिया कि कोई माइका लाल भी वापस से 370 और 35 ए जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। वाह मोदी जी वाह। तो फिजा बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इसी टॉपिक पर घास की रोटी खाएंगे लेकिन कश्मीर लेकर रहेंगे बोलने वाले पाकिस्तानियों की राय देखते हैं। वो तो है, ये तो बात उनकी ठीक है, क्योंकि हम जो है ना, हम झुकने वाले रह गए हैं,
हम? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्या बात कर रहे हैं। सही कह रहा हूँ मैं, गलत नहीं कह रहा। अपने हक पे बात करोगे तो गिर जाओगे, उसी टाइम आपकी टांगे खींचने वाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो वो कह सकते हैं, उनकी पावर है, वो कहेंगे। हमारे पास इतनी पावर नहीं है, हम सिर्फ भीख मांगने वाले हैं, भीख ही मांगते रहेंगे। अच्छा। बस और कुछ नहीं कहना चाहता मैं। कश्मीर गया हाथ से? वो है क्या कश्मीर, हम तो कह रहे हैं शहर ही गया, लेकिन समझने वाले समझ रहे हैं, लेकिन जो है ना बड़े लोग वो नहीं समझ। वो कहते ठीक है, चल रहा है, दाना पानी चल रहा है। देखो ना कि अब कोयटा में भी देख लो क्या हो रहा है। पाकिस्तान हमसे संभाला नहीं जा रहा, हम कश्मीर की तरफ भाग रहे हैं। वो कह रहे पहले अपना पाकिस्तान से संभाल लो। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। मैं तो सोच रही थी कि चाचा कश्मीर लेकर रहेगा, लेकिन चाचा तो यार कमाल कर गया। वाह चाचा वाह, आप जैसे ही पाकिस्तानी चाहिए हमें, जो पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तानियों की बाजार। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डंके की चोट पर कहा है, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमारे कश्मीर के अंदर 370 लगा के दिखा दे। वो सही कह रहे, मैं आपको गलत कह रहा हूँ? वो सही कह रहा है, जो उसकी औकात है ना वो सही बता रहा है कि हमारे पास वो नहीं। हम सिर्फ दो नंबरी काम के अलावा अब कुछ नहीं कर सकते। एक नंबर करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे, उठा लो जी ये बंदा ठीक नहीं है। अपने हक पे भी बोलोगे उठा लो ये ठीक नहीं है। वो सही कह रहा है, क्योंकि उनमें इत्तफाक है। कहने में हम उनको हिंदू काफर कह रहे हैं, लेकिन हम अपने में देखना हम क्या कर रहे हैं। वो जो पहले कौमें बर्बाद हुई ना, वही गुण हमारे में डल रहे हैं। क्या सूदखोरी, क्या कुछ नहीं। आपको पता है कि चैनल आपका है, आप क्यों क्या देख रहे हैं, सब कुछ देख रही हैं कि क्या हो रहा है माशरे में। सामने देख रहा हूँ मैं, वही तो कह रहा हूँ कि देखें, आपको भी मालूम होना चाहिए कि ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। कश्मीर को उन्होंने हर तरह से अपना बना लिया, तो होना जो हम अपनी खुद ही लड़ाई खत्म कर रहे तो वो क्या करेंगे। हमारी तो लड़ाई खुद अपनी है कि भाई मुझे सीट मिल जाए, बकाया भाड़ में जाए, मैं आ जाऊंगा। जो चोर चक्का वो कह रहा है मैं आ जाऊं तो बेहतर है, बस बकाया तो कोई बात नहीं है। वो सही कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं ना वो सही कह रहे हैं। वो अपने उनमें इत्तफाक है, कोई बात करके देख लो, कहीं भी देख लो कि यही हम बस सिर्फ वो जुलूस निकाल लेंगे, भाई ये कर देंगे वो कर देंगे। वो फलस्तीन में क्या हो रहा है, फलस्तीन में भी मुसलमान ही मर रहे हैं ना। वो उधर शाम में क्या हो रहा है, वो यानी कि हमारे में ऐसे ही हो रहा है। वो कह रहे हैं ये लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, हम भी मारेंगे। तो मोदी बहुत सही कह रहा है, वो जो भी कह रहा है। और मैं तो सोचती थी कि हिंदुस्तान में ही मोदी जी के फैन है, लेकिन चाचा को देखकर पता चल गया यार पाकिस्तान में भी मोदी जी के तगड़े तगड़े फैन भरे पड़े हैं। तो कौन लगा सकता है ये मुझे बताइएगा आप। हम तो हर एक मुल्क में जा रहे हैं, मेहरबानी जी हमारा मुल्क गिरने वाला है। इधर बिल्डिंगे बना रहे हैं, हमारा मुल्क गिरने वाला है। जो मिल रहा है हम खुद खा रहे हैं, यानी कि 90% खा जाते हैं, 10% है जो वो बस अवाम में लगा दे, देखो ये हमने लगा दी है। यही तो हाल हो ना, वो सही कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं। इंडिया ने कश्मीर का नक्शा कैसे बदला है बताएं, तरक्की में? तरक्की में ये तो आप बेहतर जानती हैं। आपको क्या लगता है? मैं कह रहा हूँ वो बेहतर कर रहा है, जो कर रहा है ना वो इस टाइम हमारे में बहुत ज्यादा है। या छोड़ो उसकी बात छोड़ो, बांग्लादेश को देख लो क्या था। और किसी बंदे को बोलोगे ना वो बंगाली को कि यार की टगे टगे की बात, हम कहते ना यार की टगे टगे का बंदा, वो कहते हैं टगे टगे का ना कहो, पैसे पैसे का बंदा कहो। टगा भी ऊपर चले गया हुआ है, समझिए मेरी बात। हम ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे में हो रहा है, यही हो रहा है। किसी को भी देख लो, वो कह रहा है जहाँ पे मेरा लग रहा है ना लगा लो, देखी जाएगी, मेरे पीछे फलाना है टमकाना है। अब आप देख लो आज क्या हुआ है, आज एक सार्जेंट को पेट्रोल डाल के, उसने खुद भी पेट्रोल डाला है, आग लगा ली है, मैं हॉस्पिटल में लेटे हुए दोनों। कि ये हालात हो रहे हैं, बिल नहीं पूरे हो रहे, क्या करेंगे हम बिजली नहीं बना सक रहे। हम लोग 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाते हैं, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे, यौमे यकजहती कश्मीर, हम लोग बड़े डे मनाते हैं। हम लोग कभी ब्लैक डे मना लेते हैं कश्मीर के नाम पे, कभी कुछ इंडिया कहता है। इसका भी जवाब दे रहा हूँ मैं, ये वो नहीं है। किसी दिन देखिएगा, दो छुट्टियां आ गई ना, संडे की यानी कि मंडे को है ना वो 5 फरवरी, हमने हफ्ते वाले दिन मरी की वो बलोचिस्तान यानी कि ठंडे इलाके की तरफ जाने की कोशिश कर लेनी है, बर्फबारी देखा है, ये कर रहे हैं, ये कौन सा है हमारे में। हम तो ये कह रहे हैं कि दो छुट्टियां हैं, ओहो बिस्तर संभालो, बच्चे पकड़ो या खुद चलो, कश्मीर डे का कोई चक्कर नहीं है। बस ये हम एक दो छुट्टियां मंगा लेते हैं, ये हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान, कोई चक्कर नहीं है। जो बंदा मौजूद था असेंबली के अंदर, जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर, जो कह रहा था 370 को लगाओ, उसका अपना भाई दहशत गर्दी के केस में जेल के अंदर सड़ रहा है। सड़ रहा है? हाँ। इंडिया की जेल में? हाँ। अच्छा जी, ये आपसे सुन रहा हूँ। तो उस बंदे का दिमाग को किसने खराब किया? जाहिरी बात है कि उन्होंने खराब किया, जिन्होंने किया। कौन हो सकता है इसके पीछे? मोदी हो सकता है। मोदी मोदी कैसे
कैसे हो सकता है? वो तो कह रहे हैं हम कोई नहीं 370 लगाएंगे। वो बंदा खड़ा होकर कह रहा था हम लगाएंगे, उसका अपना भाई दहशतगर्दी के चक्कर में। ये सियासत है, सियासत है, सियासत है, बस हर तरफ सियासत ही चल रही है। क्या गरीब है जिसको भी रोटी का भी पता नहीं ना, वो भी कहता है अज इमरान खान फैला देना है, वो अज फलाना हो जाना, ऐसे ही हो रहा है, किसी को पता नहीं। लेकिन हो सियासत ही रही, सब जिसका जो बस चल रहा है वो कर रहा है। जिसके पास को पैसे चार इकट्ठे हो गए वो कह रहा है मैं चौधरी बन गया हूँ पिंड का। इंडिया कह रहा है कि 370 वहाँ नहीं लगेगा, ये हमारा हिस्सा है कश्मीर और कश्मीरी रहेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो कैसे लगाएंगे, कौन लगाएगा? वो उसके पीछे कुछ है तो कह रहा है ना, हमारे पीछे कौन है सिवाय भीख मांगे। चाचा को देखकर मैं इतना ही कहूंगी कि यार अगर सारे पाकिस्तानी चाचा की तरह ही सोचने लगे, चाचा की तरह ही अच्छी बातें करे, तो वैसे तो मुझे नहीं लगता कि 400-500 साल तक पाकिस्तान का वजूद रहेगा। लेकिन अगर चाचा जैसे सोच के इंसान आ गए पाकिस्तान में, तो 400-500 साल में मुझे लगता है कि पाकिस्तान थोड़ा पटरी पर आ जाएगा। बच्चा बच्चा जानता है, सब जानते हैं। और पटरी पर तो आज भी आ सकता है अगर किट्टू राव लाहौर का सीएम बन जाए तो। तो सालो मुझे बनाओ लाहौर का सीएम, किट्टू राव बनेगा लाहौर का सीएम और लाहौर बनेगा किट्टू राव का। वाह भाई वाह। तो ये था आज का वीडियो, पीओके के साथ साथ फिजा का खिता कौन कौन हासिल करेगा कमेंट सेक्शन में बता दो। आज का वीडियो बस इतना ही, आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो किट्टू भाई, यो यो किट्टू भाई, जय श्री राम। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की, और अच्छा ये जो कह रहे थे कि ऐसे बंदे पाकिस्तान में कम ही मौजूद हैं, वैसे कम ही मौजूद हैं, लेकिन अब काफ़ी सारे लोगों की यही जो ओपिनियन है ना वो होती जा रही है। बिकॉज सब जो है ना वो ख्वाबों की दुनिया में नहीं जी रहे हैं, अब लोग रियलिटी में रहना पसंद करते हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं। तो रियलिटी यही है, अब सोशल मीडिया का दौर है, कुछ जो है वो छुपा है नहीं है, और सब लोगों के सामने हर चीज़ है। बिल वाकई इतने इतने ढेर आ रहे हैं, हालांकि पंखे वगैरह सब बंद है, फिर भी लोड शेडिंग इतनी हो रही है और बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। तो बिजली वाकई हम लोग पैदा नहीं कर पा रहे हैं, और ये तो सूरत हाल है। और इस किस्म की सिचुएशन जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब मेरे ख्याल से अवाम को बेवकूफ़ बनाना मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं है, और अवाम को इस चीज़ के बारे में, पाकिस्तानी अवाम सोई भी नहीं है, उसको पता है इस चीज़ के बारे में, लेकिन फिर भी बात की वो कुछ कर नहीं सकते। जलसे जुलूस निकालेंगे, क्या करेंगे, धरना दे लेंगे, या इससे ज़्यादा और कर भी क्या सकते हैं? जलसे जुलूस निकालेंगे तो भी उन बेचारों की अपने ही पेट पे जो है ना वो लात मारने वाली बात है, क्योंकि गवर्नमेंट का तो कुछ जाना नहीं है। वो वहाँ पे फौज तैनात कर देगी, पुलिस तैनात कर देगी, उनका क्या हो जाएगा? फौज और अवाम आपस में भिड़ जाएगी, या पुलिस अगर वहाँ पर होगी तो पुलिस और अवाम आपस में भिड़ जाएगी, और गवर्नमेंट का तो कुछ जाना नहीं है। रही बात अवाम की, तो उन्होंने ही पिसना है, उनके ही बच्चों ने भूखे मरना है जितने दिन वो वहाँ पर जुलूस जलसों में रहेंगे, उनके घर में खाना नहीं जाएगा। तो यही सूरत हाल है। अब पाकिस्तानी अवाम भी करे तो करे क्या, अवेयरनेस उनमें बहुत है, बस अवेयरनेस अगर नहीं आ रही है तो हमारे हुक्मरानों में नहीं आ रही है। उनको नहीं समझ में आ रहा कि भाई हम एक ही सड़े हुए टॉपिक को छोड़ के हम आगे बढ़ें, जब भाई वहाँ की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया, अभी वो एरिया जो है वो उनके कब्जे में है, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई ये चीज़ यहाँ पर लागू नहीं होनी है, तो ऑब्वियसली फिर नहीं होनी है। अब कितना भी एक दूसरे मुल्क का जो पार्ट है, फिलहाल तो उसका पार्ट है ना, बेशक वो एक डिस्प्यूटेड एरिया, लेकिन अभी वो इंडिया की दस्तरस में है, वहाँ पर वो उन्होंने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर ली हुई हैं, बाहर के मुल्कों से लोगों ने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर कर ली हुई हैं, तो वो उसको ऐसे तो नहीं जाने देंगे ना, ये आपको प्लेट में रख के तो देने वाले हैं नहीं है, ना ही ये जो है वो टेबल टॉक से ही मामला हल होने वाला है। मेरे ख्याल से इतने साल गुजर गए हैं, और अब इस मामले को मेरे ख्याल से छोड़ देना चाहिए पाकिस्तान को, और सिर्फ अपनी अवाम के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी तरक्की के लिए काम करना चाहिए, फिर ही जो है वो हम थोड़ा आगे स्टेप करेंगे। अगर हम अभी भी कश्मीर का ही रोना रोते रहेंगे तो मेरे ख्याल से पहले ही पाकिस्तानी अवाम का कख नहीं रहा हुआ, कुछ नहीं है पाकिस्तान में, तो बाकी जो रहा सहा कुछ है, बिल्कुल कुछ, वो कहते हैं ना आटे में नमक के बराबर, उससे भी हम लोग हाथ धो बैठे। सो ये था आज का रिएक्शन, आप सबको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।